विश्वास करती है, देवी देवता में विश्वास करती, इसलिए आज मौसम बहुत साफ है। बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजें कही, बड़ी क्लियर है। दो चीजें हैं, राहुल गांधी जी ने दो चीजें संसद के अंदर पूछी नरेंद्र मोदी जी से कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये फोटो है, आप अडानी के साथ एशियन कंट्री में जा रहे हैं, बड़े आराम से बैठे हो जैसे वो VIP रूम में रेस्ट रूम में बैठते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा सेवक हूँ और चौकीदार हूँ, वो अडानी के जहाज में जाते हैं, जिस जिस कंट्री में अडानी के सौदे होते हैं वो उससे पहले बार जाते हैं और एक महीने बाद उनको वो काम मिल जाता है। दूसरी चीज उन्होंने ये पूछी कि अडानी के जो शेल में उसकी जो कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया है वो किसका है, ये बताइए नरेंद्र मोदी जी। आज तक ये चीज उनसे किसी ने नहीं पूछी, उनको उन्होंने ये कहा कि ये चीज पूछ रहे। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जो लगभग 3.5 महीने की एक सफल यात्रा, लगभग 4,000 किलोमीटर की जो तय की, उसमें पूरे देश में उनको महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, पूरे देश के लोगों का जो आदर सम्मान प्यार मिला, मोदी सरकार बुखला गई। ये तो बहुत मशहूर हो गए। आज तक देखा होगा, अगर मोदी सरकार में हिम्मत है तो आप कैसी निकालो भाई। सबसे बड़ी बात यह है, आप सब जानते हैं कि मोदी और शाह के पास एक वॉशिंग मशीन है। भ्रष्टाचार के जितने केसेस होते हैं वो विरोध पार्टियों के केस हैं। जिस दिन जो आदमी इनकी पार्टी में जाता है उस वॉशिंग मशीन में डाल के वो सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। आपने देखो कितने लीडर, नरेंद्र राणे जी कई लीडर हैं, आपके कम्युनिस्ट पार्टी के थे, 5-6 लीडरों को जिनके अगेंस्ट करोड़ों रुपए के घोटाले हैं वो जो है उस वॉशिंग मशीन में डालते हैं और वो साफ होकर निकलते हैं। भाई और बहनों, ये कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी है। उस ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की रहनुमाई में, और सबसे खुशी की बात है कि जो हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम उनको सबको बधाई देते हैं सबकी तरफ से। आज उन्होंने पूरे विपक्ष को एक सूत्र में बांधा। आपने देखा होगा राज्यसभा और लोकसभा के अंदर कितने 18 विपक्षी दल थे, सबको उन्होंने इकट्ठे कर दिया। और देखा जाए मोदी और शाह की जो नींद बहुत आराम, ये जो रोज इस तरह के अलोकतांत्रिक फैसले कर रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि वो जो है अपना विश्वास खो चुके हैं, उनके पैर के नीचे की जो जमीन है वो खिसक रही है।